नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ राजस्थान LDC स्पेशल साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस प्लस उसका कंपोजिशन, जो कि आपके आगामी LDC एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने जा रहा है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ, जहाँ पर मैंने अभी राजस्थान LDC स्पेशल हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कॉस्ट डाल दिया है। तो इसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, और वहां पर मेरा नाम जसराज चौधरी सर्च करके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, और जो भी वीडियो है आप वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हो। इसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गैसेज। दोस्तों, यहाँ पे आपकी पहली गैस आ रही है वाटर गैस, जिसको भाप अंगार गैस भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से भाप अंगार गैस का कॉम्पोजिशन क्या है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो परसेंटेज है वो है हाइड्रोजन का, जो कि है आपके 50%। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, यानी कि वाटर गैस में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किस गैस का है, तो वो है आपके हाइड्रोजन का। उसके बाद नंबर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो CO से डिनोट किया जाता है, उसका दोस्तों यहाँ पे कंपोजिशन है वो है आपके 45%, और बाकी के जो 5% हैं उसमें आपके आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मेथेन प्लस नाइट्रोजन। ओके, आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट आ रहा दोस्तों प्रोड्यूसर गैस, जिसको हिंदी में उत्पादक गैस बोला जाता है, जो कि आपका कंपोजिशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का और नाइट्रोजन यानी N2 का। इसमें दोस्तों परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन की बात करें प्रोड्यूसर गैस की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है आपके नाइट्रोजन, जो कि होता है 60%, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो होता है आपके 30%, और जो बाकी के 10% है उसमें आपके आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर मैं जो भी गैसेज की अभी बात कर रहा हूँ ये आपके फ्यूल गैस कहलाती हैं। अगली जो आपकी गैस आ रही है सेमी वाटर गैस, जिसमें दोस्तों वाटर गैस प्लस प्रोड्यूसर गैस इन दोनों का मिक्सर होता है, और इसमें दोस्तों आपके मैं बता दूँ CO प्लस H2 प्लस N2 का मिक्सर होता है। बात करें आपके कंपोजिशन ऑफ परसेंटेज की, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है जो है आपके 25%, और सबसे ज़्यादा है यहाँ पे नाइट्रोजन है, जिसका जो परसेंटेज है वो है 50%। बात करें हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंटेज है 15%। ओके, और बाकी के जो 10% है वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मेथेन के। ये हो गई आपके सेमी वाटर गैस। ओके, नेक्स्ट आपके दोस्तों गैस आ रही है ऑयल गैस, जो कि आपके मिक्सर होता है हाइड्रोकार्बन का। लाइक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मेथेन प्लस एथीन प्लस एथाइन, ये जो भी हाइड्रोकार्बन है इनका जो भी मिक्सर है वो आपके ऑयल गैस होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों गैस की बात करें तो कोल गैस, और कोल गैस जो मिक्सर होता है वो होता है हाइड्रोजन मेथेन एथिलीन एसिटीन कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। यहाँ पे दोस्तों कंपोजिशन ऑफ परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है हाइड्रोजन का, किसका है हाइड्रोजन का, जो कि है आपके 60%। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पे मेथेन का, जो है आपके 25%। उसके बाद बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर आता है, जो कि है 10%, और बाकी के जो भी गैसेज है 5% के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट गैस की बात करें तो यहाँ पे नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस, जिसमें आपके मुख्यतः मेथेन होती है और उसके साथ एथेन का मिक्सर होता है, मतलब प्राकृतिक गैस में मेथेन प्लस एथेन का वहाँ पे कॉम्बाइनेशन मिक्सर होता है। ओके, नेक्स्ट आपकी गैस आ रही है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, जिसमें आपके ब्यूटेन होती है, और इसमें दोस्तों जो गंध होती है उनका कारण होता है गंध का एथाइल मरकप्टेन की उपस्थिति के कारण आपको LPG में गंध आती है। एथाइल जो मरकप्टेन होता है इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C2H5S और H। ओके, C2H5SH। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। और नेक्स्ट दोस्तों जो गैस है वो है आपके CNG। ओके, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें आपके 95% मेथेन होती है, जो प्रचुर मात्रा में होती है वो मेथेन ही होती है, और जो कि आपके 95% होती है। वैसे ये दोस्तों 94 के समथिंग होती है कुछ। नेक्स्ट दोस्तों जो गैस है वो है बायोगैस, या फिर इसको गोबर गैस भी बोला जाता है। इसमें दोस्तों कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें होता है मेथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। इसमें सबसे ज़्यादा होती है आपके मेथेन,
जो कि होती हैं आई थिंक यहाँ पे 70% होती है मैथेन, और बाकी की जो भी 30% है वहाँ पे आपके CO2, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन है। ओके नेक्स्ट दोस्तों, गैस की बात करें तो यहाँ पे लॉफिंग गैस, और लॉफिंग गैस बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो लॉफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। ओके नेक्स्ट आपकी गैस है टीयर गैस, यानी आंसू गैस, और आंसू गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C10H5Cl N2। मतलब यहाँ पे कार्बन है 10 अणु है, हाइड्रोजन के 5 अणु है, क्लोरीन और नाइट्रोजन है आपके यहाँ पे। तो इनका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है 2-क्लोरोबेंजल मेलेनो नाइट्रेट। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के नीचे लाल आइकन वाला सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास के बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।